कि कश्ती ना हो तो समंदर किस काम का, कोहली ना हो तो क्रिकेट किस काम का। ओके वो शुक्रिया। कोहली है तो क्रिकेट है, अगर विराट कोहली नहीं है तो क्रिकेट नहीं है। अभी क्रिकेट को बाय बाय बोल। ओके एंड देने लगा क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली। अच्छा ओके। रिकॉर्ड बनने वाले हैं, रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि कल बहुत ज्यादा चीजें देखने वाली हैं। एक एक दफा हमें इसका लूजर आप तब होते हैं जब आप क्विट कर देते हैं। लेकिन कोहली से अगर आप एक अच्छा सबक ले सकते हैं कि उन्होंने 16 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब भी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने क्रिकेट को बाय बाय बोल देंगे। मैं खुद क्रिकेट को बाय बाय बोल दूंगा अगर विराट कोहली ने यार कहने को क्रिकेट। आखिरी दफा आईपीएल की हिस्ट्री में विराट वर्सेज एमएस धोनी देखने को मिल रहा है, ये कन्फर्म है, क्योंकि धोनी का आखिरी आईपीएल है। और उसके बाद अगर आप आरसीबी विन करे, केकेआर वर्सेस आरसीबी का फाइनल हो, एक लास्ट में सर आरसीबी की टीम के अंदर जो विराट कोहली है, जो मतलब के अक्सर शायकीन के दिलों की जान है, ठीक है, मतलब कि एक क्रिकेट को करे ताकि अब उसकी 17 साल की स्ट्रगल है ना वो कामयाब हो सके। क्योंकि उसने भी कहा है कि कल का मैच जो है मैं जो भी है। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बड़ा मैच होने चला आरसीबी वर्सेस सीएसके, धोनी सर माही वर्सेस किंग कोहली, क्या कहेंगे सर कल के हवाले के मैच के हवाले? 18 तारीख को मैच है और विराट कोहली का नंबर भी 18 है। सर कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए सर, मैं कल के मैच के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जो एक क्रिकेट के शायकीन है वो एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कल के मैच से, कि एक अच्छा उनको मुकाबला देखने को मिलेगा। 19 मतलब कि एक उनका एक अच्छा टाकरा देखने को मिलेगा सीएसके वर्सेस आरसीबी। सीएसके जैसे कि धोनी की टीम है, जो कि मतलब माइंड गेम्स अपने जो वो है आईक्यू लेवल है उसके हिसाब से देखा जाता है, उसके हिसाब से खेलते हैं। और जो आरसीबी की टीम के अंदर जो विराट कोहली है, जो मतलब कि अक्सर शायकीन के दिलों की जान है, ठीक है, मतलब कि एक क्रिकेट की हाइप वो कोहली के साथ ही है, कोहली के अग्रेशन के साथ ही, जो कोहली का ऑन फील्ड अग्रेशन होता है लोग वही देखने आते हैं। लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिकेट देख लिया, लेकिन अब जो मजा है ना क्रिकेट के अंदर वो सिर्फ कोहली की है, जो अग्रेशन है, जिस तरह वो ऑन फील्ड खेलते हैं और लेके चलते हैं अपनी टीम को, उस चीज का मजा आता है। और हमारी बड़ी उम्मीदें हैं, ऊपर से आगे से उनका एक इंटरव्यू आया हुआ है कोहली का, कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनका T20 वर्ल्ड कप वो उनका लास्ट मैच है, लास्ट वर्ल्ड कप है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नजर भी नहीं आऊंगा और शायद वो फिर आईपीएल के अंदर भी नजर ना आए। तो मेरे ख्याल से ये एक आखिरी उनका मौका है, और 16 सालों से जो वो एक मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिला, मुझे लगता है कि इस दफा वो स्ट्रगल करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको उसका फल मिल जाए। 16 साल की स्ट्रगल आज कल के मैच में, देखिए ये इससे एक सीख भी मिलती है लोगों के, अगर आप नहीं जीत पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लूजर हैं। इसका लूजर आप तब होते हैं जब आप क्विट कर देते हैं। लेकिन कोहली से अगर आप एक अच्छा सबक ले सकते हैं कि उन्होंने 16 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब भी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने हिम्मत छोड़ी नहीं है कि वो अपना जो है वो टाइटल लिए बगैर वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले। मेरा ख्याल है कि शायकीन को डिजर्व करते हैं, जिन्होंने इतने साल उनको सपोर्ट किया है, इतने साल उनको एक किंग समझा है, वो डिजर्व करते हैं कि कोहली जो है उनको एक टाइटल देकर जाएं। और वो जाहिर है वो बहुत मेहनत करेंगे, कोशिश भी यही करेंगे अपने फैंस को खुश करके जाएं। और उनकी रिटायरमेंट एमएस धोनी के वाले, एमएस धोनी क्या करें, एमएस धोनी को चाहिए दे दे यार, मैंने इतने टाइटल दिए हैं। चाहिए तो यही, लेकिन देखें हर कोई अपनी जीत के लिए खेलता है। एशिया की सबसे बड़ी लीग होती है आईपीएल, उसका टाइटल एक जीतना बड़े मायने रखता है, ठीक है, उससे आपकी बड़ी वो जो एफर्ट्स होती हैं और जो आपका स्किल्स होती हैं वो जाहिर होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि यारी दोस्ती में कोई भी कोई ऐसा मुकाबला छोड़ देता है, लेकिन एज अ सीनियर बनता है कि अपने जूनियर को एक चीज़ से नवाज दिया जाए। सीएसके से हमारी यही गुजारिश है कि धोनी साहब वो रहम करें उसके ऊपर, कोहली के ऊपर, अपने जूनियर के ऊपर, उसको एक टाइटल दे दे ताकि वो अपने जो है शायकीन है उनको खुश कर सके। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जिस तरह आपने बात, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखें जाहिर सी बात है आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं हम, विराट कोहली को सपोर्ट, आरसीबी को देखें ना, हम आईपीएल को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं विराट कोहली जिस टीम में होगा, जहाँ से वो खेलेगा, हमारे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। विराट कोहली जो मतलब कि डिवाइडेड नहीं है, हम जी नेशन की वजह से डिवाइड है, ऐसे कोई बात नहीं है, हम क्रिकेट के फैन हैं, कोहली के फैन हैं। तो एक विराट कोहली साहब का वो आया हुआ है इंटरव्यू कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि विराट कोहली जो है वो इंडिया की टीम की एक बैक बोन है, अगर वही निकल जाएंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। विराट कोहली साहब की जो वो है रिटायरमेंट का बयान है, उसके ऊपर मैं एक शेयर कहना चाहूँगा कि कश्ती ना हो तो समंदर किस काम का, कोहली ना हो तो क्रिकेट किस काम का। ओके वो शुक्रिया। भाई फाइनल से पहले फाइनल है कल, कल वाहिद मैच है जो हमने बैठ के स्क्रीनों पे देखना है, यहाँ पर पाकिस्तान में दिखाते तो नहीं है लेकिन लाइव चल रहा है, लाइव देखना है। एक तरफ मास्टरमाइंड है तो एक तरफ किंग कोहली है, एक तरफ अगर क्लास है तो दूसरी तरफ बेस्ट फिनिशर है दुनिया का, एक तरफ अगर चेज मास्टर है तो दूसरी तरफ एमएस धोनी है। तो भाईजान सीनियर वर्सेज जूनियर का मैच है, मतलब उनके हाथों का बच्चा तैयार हुआ, कल उनके सामने मैच खेलने जा रहा है। सबसे पहले तो दुआ है भाई बारिश ना हो, 90% प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी। विराट कोहली ने ट्वीट भी की थी कि भाईजान मैच जरा शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि ये मैच हमने जीतना है, ठीक है ना। तो भाईजान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और फाड़ू मैच होने वाला है, कल रिकॉर्ड बनने वाले हैं, रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि कल बहुत ज्यादा चीजें देखने वाली हैं।
एक एक दफा हमें आखिरी दफा आईपीएल की हिस्ट्री में विराट वर्सेस एमएस धोनी देखने को मिल रहा है, ये कन्फर्म है क्योंकि धोनी का आखिरी आईपीएल है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो 18-18 वाली जो स्ट्रीक चल गई है ना, 18 नंबर जीतेगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सीएसके आरसीबी को। आरसीबी क्यों? आरसीबी में विराट कोहली है। विराट शर्ट 18वें ओवर में चेज 18 क्या कहते हैं 18 अक्टूबर को विराट का डेब्यू 18 रन से जीतना है, तो ये सारी चीजें जो मिक्स हो गई है ना, तो मेरे ख्याल से परला आरसीबी का भारी है। शर्ट 18वें ओवर में चेज 18 क्या कहते हैं 18 अक्टूबर को विराट का डेब्यू 18 रन से जीतना है, तो ये सारी चीजें जो मिक्स हो गई है ना, तो मेरे ख्याल से परला आरसीबी का भारी है। सुनने में आया कि विराट कोहली 18 के 18 आपने बोला है, विराट कोहली 18 का कोई मैच हुआ वो आज तक हारे नहीं, वो जीते ही हैं, उनका लकी नंबर 18। मैं कह तो रहा हूँ वो शर्ट नंबर भी तो 18 है ना सर, तो ये मैच जो होने जा रहा है ना, इसको मैं फाइनल समझता हूँ, क्योंकि अगर आरसीबी कल जीत गया, जो टीम कल जीत गई उसने फाइनल जीत जाना है। क्या विराट कोहली की जो हिस्ट्रीज है जो 18-18 वाली, क्या धोनी तोड़ सकेंगे? नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ दिल से, विराट कोहली को जितवाना है। तो आप तो आपसे पहले भी एक बंदे ने नहीं बोला। अच्छा मुझे बताया आप किसको सपोर्ट करने आईपीएल? मैं कह तो रहा हूँ दिल से विराट कोहली सर। विराट धोनी क्यों नहीं? धोनी की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यार धोनी ने 5 टाइटल उठाए हुए हैं, आरसीबी एक उठाने देगा विराट कोहली को तो क्या चला जाएगा उसका? तो फिर आप क्या ही देखो, दी स्क्रीन पे क्या ही देखे विराट कोहली? भाईजान एमएस धोनी साहब ग्रेट, आप कैप्टन रहे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं, आप 5 टाइटल आपने चेन्नई के उठाए हैं, एक हमारे किंग कोहली को उठाने दो। इतनी मोहब्बत है किंग कोहली से कि मेरा फ़ोन किधर है ये देखिए, ये किंग कोहली हमारे दिलों में बसता है सर, चेक करें किंग कोहली की। अच्छा सर देखा, 8 मैच हुए, 8 में से 1 विन हुए, 7 हार गए, फिर 5 आगे विन किए, ये आपको आपका एक्सेप्टिंग था कि मैं आज कह रहा हूँ कि आरसीबी अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गया ना, तो दुनिया में हर काम हो सकता है और आरसीबी क्वालिफाई कर सकता है, जैसा सिनेरियो बन गया। 17 साल की सर विराट कोहली की, 17 साल की सर आज मेहनत कर रंग लाएगी, मेहनत कर रंग लाएगी, लाजमी लाएगी। कह तो रहा हूँ विराट कोहली ने फाड़ देना सर, कल बहुत तबाही उतारनी है आरसीबी ने। चलो ठीक है जी, देख लेते हैं आज बहुत पाकिस्तान। आपने मेरे से शर्त लगानी है कि आरसीबी जीते? नहीं मुझे पता है आरसीबी जीतेगा, मैं क्यों शक एक मिनट मार लग गया। हाँ वो आरसीबी जीतेगा, मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है, मैं कहा अगर चेन्नई की तरफ हो तो शर्त लगा लो। नहीं नहीं ठीक है। कहाँ सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। कल बहुत बड़ा मैच होने जा आरसीबी वर्सेस सीएसके सर, बात करें धोनी वर्सेस विराट कोहली सर, मुझे कल के मैच के हवाले से क्या कहे, क्या विराट कोहली हिस्ट्री बना ले, क्या धोनी हिस्ट्री बनाने देंगे? यार नो डाउट यार, कल का मैच बहुत बड़ा मैच होना है, हिस्ट्री में आईपीएल का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है, व्यूवरशिप भी रिकॉर्ड भी ब्रेक होने जा रहे हैं, यकीन माने बड़े बेताब हुए थे पहले इस मैच को देखने के लिए कि यार जल्दी जल्दी मैच आए, ऊपर से मैच भी किस डेट को आ रहा है, 18 तारीख को, 18 विराट कोहली की जर्सी का नंबर भी है, ठीक है ना, उसके ऊपर 18 ओवर से भी जीतना है, 18 रन से भी जीतना है भाई। अभी 18 तारीख को डेब्यू हुआ था। हाँ 18 तारीख को भी डेब्यू हुआ था। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन जीतेगा, एक तरफ आरसीबी है, एक तरफ है सीएसके, एक तरफ है दाला भाई, दूसरी तरफ है किंग है। अगर किंग को सपोर्ट करते हैं दाला भाई नाराज होते हैं, दाला भाई को सपोर्ट करते हैं किंग नाराज होता है, लेकिन मैंने दोनों ही बहुत फेवरेट मेरे बैट्समैन है, ठीक है ना, एक दोनों ही आर्ट लेजेंड्स हैं, यकीन माने दोनों को मायूस होते नहीं देख सकते। एक अगर जीता है तो उसकी 17 साल की स्ट्रगल है, उसका हक भी बनता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दाला भाई के अगर कल हारते हैं तो यार वो क्रिकेट से बिल्कुल हमेशा के लिए बाइकआउट कर देंगे हमेशा, क्योंकि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया वो उन्होंने कि मैं उसके बाद आईपीएल नहीं खेलूंगा। बट ऊपर से चेन्नई में भी हो रहा है, वो अपने ऑडियंस को, अपने क्राउड को, अपने व्यूवरशिप को कभी भी मायूस नहीं करेगा। कल का मैच ना अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। कल का मैच फाइनल लग रहा है आपको कि यार वही कल का मैच फाइनल वही है? अगर कल विराट कोहली की टीम इतने 17 साल की विराट कोहली की स्ट्रगल सर, अगर बात करें सुनने में आगे 18 तारीख को जितने भी मैचेस हैं विराट कोहली आज तक 18 वाले मैच नहीं हारे। नो डाउट यार, हिस्ट्री में भी लिखा गया हुआ है, हिस्ट्री में भी आया हुआ है, हिस्ट्री में ब्रेक भी हुआ है कि 18 तारीख को जो भी मैच है विराट कोहली नहीं हारा, उसने हमेशा ही मैच को ना बीट किया और अपने नाम पे किया। बट दूसरी तरफ दाला है, इजी ना लें, ठीक है ना, वो अनएक्सपेक्टेड गेम करेगा, ठीक है, क्यों आपको भी पता है कि आईपीएल का सबसे बड़ा मैच है, ठीक है ना, आईपीएल में आज तक कभी भी ऐसा मैच नहीं हुआ, पहला मैच हुआ आरसीबी वर्सेस सीएसके, अब उसके बाद ये मैच आ रहा है जो प्लेऑफ के लिए आ रहे हैं, और प्लेऑफ के लिए कोई भी अपनी टीम का मोरल नीचे नहीं करेगी, सीएसके भी नहीं करेगी, आरसीबी भी नहीं करेगी, जो अच्छा प्ले कर गया वो विन कर गया। अलग मैच कल का देखने वाला नहीं हूँ, कल का मैच मैंने ना देखा, क्यों क्यों नहीं देखना यार, क्योंकि यार दोनों तरफ इतने लेजेंड्स खेल रहे हैं, ठीक है ना, एक दोनों में से एक टीम ने हारना ही है, एक ने जीतना है, एक ने हारना है, ठीक है, दोनों को मायूस होते नहीं देख सकता। अगर दाला भाई जीते हैं तो विराट कोहली को मायूस होते नहीं देख सकता, विराट कोहली जीता है तो दाला भाई को मायूस होते नहीं, इसलिए मैंने कहा यार कल का मैच देखना है, न्यूज़ सुन लूंगा या कोई भी जीतेगा तो। यार सर बात ये भी है कि 90% उन्होंने प्रेडिक्शन किया बारिश के, सर आप मुझे बताएं
अगर कल बारिश होती तो कल तो आरसीबी बाहर होते, आईपीएल खत्म हो जाएगा अगर आरसीबी कल बाहर। नो डाउट यार, अगर बारिश होती है ना तो आरसीबी विराट कोहली के लिए टाटा बाय बाय, 16 साल की स्ट्रगल फिर वहाँ पे ही रह जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दाला भाई वैसे भी आगे चले जाएंगे क्योंकि दाला भाई के पास पॉइंट्स भी ज़्यादा है, रन रेट भी ज़्यादा है, तो विराट कोहली के पास पॉइंट्स भी कम है, रन रेट भी थोड़े से कम है। बट मैं यही दुआ है कि अल्लाह पाक बारिश ना करी, दोनों का ज़रा मैच बहुत टफ है। तो हम लोग उसके अब हम फैन हैं तो हम लोग चाहते हैं कि यार आरसीबी विन करे, ठीक है, विराट कोहली विन करे, ताकि अब उसकी 17 साल की स्ट्रगल है ना वो कामयाब हो सके। क्योंकि उसने भी कहा है कि कल का मैच जो है मैं जो भी है, ठीक है, मैं ये विन करके रहूंगा, और ये विराट कोहली जो कहता है ना वो करके रहता है। सर मुझे बताया क्या एम एस धोनी जो विराट कोहली की हिस्ट्री है, जो विराट कोहली रिकॉर्ड्स बनाए, क्या एम एस धोनी वो हिस्ट्री खत्म कर देंगे 18 तरीके जो विराट कोहली 18 तरीके की हिस्ट्री बनी हुई है, क्या कल धोनी वो खत्म कर देंगे? नहीं यार, ये आपको पता है यार, वो सीनियर जूनियर की ना रिस्पेक्ट करना जानता है, ठीक है ना, धोनी हमेशा अपने जूनियर को रिस्पेक्ट देना जानता है और विराट कोहली अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देना जानता है। अगर कल को बारिश का भी कोई सीन बनता है ना, फिर भी देख लेना धोनी अपने जूनियर को रिस्पेक्ट देगा, विराट कोहली देखना एम एस धोनी को रिस्पेक्ट देगा। इन दोनों में क्रिकेटर में ना ये नहीं है कि भाई एक दूसरे उसका खत्म करना, उसके रिकॉर्ड खत्म करना, ये चीज़ नहीं है क्रिकेट में, इंडिया के क्रिकेट में ये चीज़ नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान के क्रिकेट में होता वो मैं मान में आता है, ये यार बाकी ये एक दूसरे की टांग खींचने को आगे आते हैं, इंडिया क्रिकेट में नहीं आना ही। हाँ जी, मैंने हिस्ट्री का बोला था। नहीं, हिस्ट्री यार फिर भी हिस्ट्री रहेगी, ठीक है ना, देख लेना आरसीबी कल का मैच विन करेगी। अच्छा, आप किसको सपोर्ट करते रहे आईपीएल में? आईपीएल में इतने मैचेस आए, आपको पता केकेआर सारी टीमें जो क्वालिफाई हो चुकी हैं प्लेऑफ के लिए। अच्छा, बात करेंगे सर, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? या फर्स्ट ऑफ ऑल से पहले नंबर पे मैं बात करूँगा, फर्स्ट आईपीएल 2007 से आईपीएल स्टार्ट हुआ, 2007 से के पता नहीं 8 से आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ, मैं ना केकेआर को सपोर्ट कर रहा हूँ सीरियसली। मैं केकेआर का बहुत बड़ा फैन, कोलकाता नाइट राइडर का मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है ना, मैं उसको ही सपोर्ट करता, सिर्फ वो सपोर्ट करता ना शाहरुख खान की वजह से। मेरा शाहरुख खान, मैं उसको बहुत लव करता हूँ, ठीक है ना, मेरा फेवरेट एक्टर है, ठीक है ना, फेवरेट मेरा बंदा है, ठीक है ना, अलग मैं उसकी वजह से सपोर्ट करता हूँ। हाँ, दूसरे नंबर पर सपोर्ट करता हूँ ना तो आरसीबी के कोहली की वजह से, सिर्फ आरसीबी की पूरी टीम किसी के काबिल नहीं है, सिर्फ विराट कोहली की वजह से मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, केकेआर तो प्लेऑफ में चलेगी या मेरी टीम तो सपोर्ट में है तो मैं उसको, ठीक है ना, मेरा तो है, मेरा ख्वाहिश है खुद की कि आरसीबी विन करे, केकेआर वर्सेस आरसीबी का फाइनल हो। एक लास्ट में सर, विराट कोहली कह रहे हैं कि मैंने मैचेस के बाद में T20 वर्ल्ड कप के बाद मैंने रिटायरमेंट ले लेनी है, क्या वजह लगता है उसको? मैं नजर भी नहीं आऊंगा, ये इतनी बड़ी बातें कर रही है यार। वो नो डाउट यार, इसने बहुत बड़ी बात करके ना यकीन माने हमारे व्यूवर्स के ना दिल तोड़ दिए हैं कि यार इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा लेजेंड, क्रिकेट ऑफ द गॉड, जो क्रिकेट छोड़ देगा, क्रिकेट है तो विराट कोहली की तरफ वजह से है, क्रिकेट नहीं है तो विराट नहीं है, खत्म है, क्रिकेट खत्म हो जाएगी। यकीन माने जितने भी देख लें आप, या अब ये देख लो 90s के बाद जितने भी क्रिकेटर आए हैं, ठीक, किसने नाम बनाया, किसने नाम लिया, पाकिस्तान में किसने नाम बनाया, न्यूजीलैंड में से किसने नाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया में से नाम बनाया तो रिकी पोंटिंग ने बनाया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने नहीं देखा आज तक किसी भी क्रिकेटर ने इतना नाम बनाया, तेंदुलकर के बाद नाम बनाया तो यार विराट कोहली ने बनाया। एम एस धोनी का ना बात करूँ, एम एस धोनी ने नाम बनाया व्यूवरशिप पे, बट इतना नाम नहीं बना सका जितना विराट कोहली बनाया। बट यही कहूँगा यार, इसको चाहिए कि अपने रिटायरमेंट ना करे क्योंकि हम लोग मायूस हो जाएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लाखों करोड़ों में इसके व्यूवरशिप में बहुत से मायूस हो जाएंगे और दिल हार के बैठ जाएंगे, क्रिकेट को बाय बाय बोल देंगे। मैं खुद क्रिकेट को बाय बाय बोल दूंगा अगर विराट कोहली ने यार कहने को क्रिकेट है तो विराट कोहली तो क्रिकेट है, विराट कोहली तो क्रिकेट नहीं है। नो डाउट यार, क्रिकेट विराट कोहली है तो क्रिकेट है, अगर विराट कोहली नहीं है तो क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट को बाय बाय बोल। ओके, आप सुनाए सर। ठीक है सर, हिस्ट्री का बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है कल, आरसीबी वर्सेस सीएसके, सर किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और सर आरसीबी के हवाले से क्या कहेंगे आज? आरसीबी एक बहुत अच्छी टीम है, तकरीबन 17 साल हो गए ये अभी तक प्लेऑफ में नहीं जा सकी, लेकिन इंशाल्लाह कल उम्मीद है ये जाएगी प्लेऑफ में। अच्छा, आप मुझे बताएं, सातवीं टीम सीएसके के धोनी की टीम है, जी, क्या धोनी जाने देंगे इनको प्लेऑफ? नहीं, लेकिन धोनी ऐसा प्लेयर है कि किस वक्त ही मैच चेंज कर सकता है, ये बहुत काबिल प्लेयर है ये, क्योंकि ये ऐसा हिटर है कि अगर आपको 5 छक्के भी चाहिए एक ओवर में मार सकता है ये। अच्छा, मुझे विराट कोहली के बारे से क्या कहें? विराट कोहली आरसीबी की टीम है, 17 साल की स्ट्रगल, कल कर विराट कोहली हिस्ट्री बना चल सकेंगे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई होने के लिए? विराट कोहली कल इंशाल्लाह सेंचुरी मारेंगे क्योंकि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है विराट कोहली। अच्छा, मुझे बताएं 18 तारीख की अगर बात करें, 18 तारीख उनकी शर्ट पर और उनका डेब्यू भी 18 तारीख है, 18 तारीख को मैच भी है, क्या लगता है कि जो 18 तारीख की हिस्ट्री बनाई है विराट कोहली, कल जीत पाएंगे मैच धोनी जैसी टीम, धोनी कल टीम में जितवाने देंगे उन्हें? नहीं, लेकिन
धोनी तो बिल्कुल चाहेगा कि मैं ना इस तरह होने दूं, लेकिन विराट कोहली कल जीत जाएगा। यार धोनी इतनी बड़ी टीम है यार, थाला जितनी बड़ी टीम है, क्या आपने जिस तरह बोला कि आपको कैसे कॉन्फिडेंस है कि कल विराट कोहली की टीम, क्योंकि कल आरसीबी की टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, कैमरन ग्रीन है, मैक्सवेल है और सिराज भी उनकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है। फाफ डु प्लेसिस खुद कप्तान है टीम के, बहुत अच्छे वो लीड करते हैं टीम को, इसलिए कल जीत जाएंगे वो। अच्छा मुझे आपने क्या जीत है किस तरह ये देखा होगा, पहले मैचेस में देखे तो पहले मैचेस में तो उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया, तो ये हमें तो पता जीरो परफॉर्मेंस थी, तो हमने मैं नहीं पता प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई होगी, तो जैसा कल लास्ट मैच है तो पता चल जाए कोई होती है क्वालिफाई। 90% जो है ना कल बारिश का कहा गया कि मुझे पता कल बारिश अगर होते तो आराम सुकून से जो है ना सीएसके जीते, लेकिन अगर आप आरसीबी के मैचेस देखे जाए तो फिर भी आरसीबी जो मैच हारी है तकरीबन बहुत क्लोज मैच हुए, जैसे एक स्कोर से हार गई, जैसे बहुत दो विकेटों से हार गई, इस तरह बहुत क्लोज मैच हुए, लेकिन विराट को इस बार आरसीबी की किस्मत है कि इंशाल्लाह वो जीतेगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं सीएसके? आरसीबी को। आरसीबी को क्यों? आरसीबी में विराट कोहली है। विराट कोहली तो कह रहे मैं रिटायरमेंट देने लगा क्रिकेट का, बादशाह विराट कोहली। ओके।